गुड मॉर्निंग क्लास 9। टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 2। आज हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे बेटा, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट। जो ये भारतीय मरुस्थल है, ये हमारे राज्य राजस्थान में है, जो अपना स्टेट है उसमें है, जिसका नाम है थार डेजर्ट। सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। ये हमारे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास इसका विस्तार है। ये जो हमारी अरावली, आपने राजस्थान का जो मैप देखा होगा, ये अरावली जो यहाँ गुजरात से निकलती है यूँ जाके, तो अरावली के बेटा ये वेस्ट में है, अरावली के वेस्ट में है हमारा थार डेजर्ट, जो पाकिस्तान बॉर्डर तक फैला हुआ है और राजस्थान में ये लाई करता है। और इसे कहें कि इसमें सैंडी प्लेन्स बहुत ज़्यादा है, यानी बालू जो मिट्टी है वो दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ बालू के टीले आपको देखने के मिलेंगे। कभी जैसलमेर आपका जाना हो तो आप इसे अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि बालू के टीले कितने हैं यहाँ पे, जिनको वहाँ पे बरछान कहते हैं। और यहाँ पे क्या बेटा, इसकी विशेषता देखिए, थार डेजर्ट की विशेषता ये है कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, वेजिटेशन बहुत कम है। हम रेन की कहें तो यहाँ रेन कितनी होती है बेटा, 150 सेंटीमीटर से भी कम, लेस पूरे साल में। अब आप ये तो समझ गए, जब पानी नहीं है तो यहाँ नदियाँ भी नहीं है, और जो नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में ही फ्लो करती हैं, और जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है तो उनका पानी कम हो जाता है, इसलिए वो आगे तक नहीं जा पाती है, इस मिट्टी में ही वो लुप्त हो जाती है। तो इस थार डेजर्ट की जो मेन रिवर है वो है लूनी रिवर। कौन सी बेटा, लूनी रिवर है। और जो इसके लॉन्गिट्यूशनल डून्स है, ये हमें पाकिस्तान बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं, यानी जैसलमेर अगर हम जाएं तो हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा थार डेजर्ट है बेटा, जो राजस्थान में लाई करता है, यानी स्थित है। इसमें पानी कम है, इसमें जो वेजिटेशन है वो कम है, इसमें जो रिवर्स हैं वो एवरग्रीन नहीं है, यानी सदाबहार नहीं है, सिर्फ रेनी सीजन में ही इनमें पानी आता है जिससे ये दिखाई देती हैं, उसके बाद ये लुप्त हो जाती हैं, जमीन में अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें चली जाती हैं। और लूनी मेन रिवर है बेटा इसमें। अब हम पढ़ेंगे अपना कोस्टल रीजन। क्या पढ़ेंगे बेटा, कोस्टल रीजन पढ़ेंगे। इसकी हिंदी होती है तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन्स मीन्स तटीय मैदान। तो जो हमारे तटीय मैदान है वो देखिए, जैसे हमने ये भारत का हम रफली एक मैप बनाते हैं, तो तट हमारा गुजरात से लेके यहाँ और यहाँ से लेके उड़ीसा वेस्ट बंगाल तक है बेटा तट क्षेत्र। तो ये इसके पास जो प्लेन्स है, मैदान है, उनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये नीचे का हिस्सा बेटा, ऊपर तो हमारा जो यहाँ से है वो हम कहेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर ऊपर हमारा हिमालय है यहाँ से। तो ये हमारे ये जो ये हिस्सा है ये कोस्टल प्लेन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन। ये साइड कौन सी है, वेस्ट है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। डायरेक्शन पता चली बेटा, वेस्ट एंड ईस्ट दोनों तरफ हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। जो पेनिनसुलर प्लेटू है बेटा हमारा, वो घिरा हुआ है इन दोनों प्लेन्स के द्वारा। ये कोस्टल जो हम कहें पट्टी है, उससे घिरा हुआ है यहाँ पे, ट्रेंगुलर शेप में हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। और इसके वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और इसमें जो नैरो प्लेन्स है, यानी सखड़े मैदान है बेटा यहाँ पे। और जो इसके थ्री सेक्शंस हो गए बेटा, पहले हम वेस्टर्न साइड में देखते हैं, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं बेटा, कोंकण। ये मुंबई से लेके गोवा तक है, मुंबई से लेके गोवा तक कोंकण तट है, यानी प्लेन है। उसके बाद अगर हम जाएं इसके नीचे तो कन्नड़ है, कन्नड़ प्लेन है, और नीचे केरल के पास यहाँ पे है मालाबार तट। यानी यहाँ पे तीन तट है बेटा, नॉर्थ में है कोंकण, फिर मिडल में है कर्नाटक के पास कन्नड़ प्लेन, और नीचे है मालाबार। तो ये वेस्टर्न साइड के हमारे जो प्लेन्स हैं उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे। और अगर हम ईस्टर्न साइड में आए तो इनको टू पार्ट्स में, नॉर्दर्न सीसा यानी नॉर्थ साइड में जो है वो, और नीचे ही वाला जो हम कहेंगे इसको कोरोमंडल तट कह सकते हैं। तो ये इसके बजाय क्या होता है बेटा, वाइड है। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो प्लेन्स हैं वो चौड़े हैं, इनका लेवल भी ज़्यादा है,
और हम कहें कि ये इसको नॉर्दर्न सिरसार, तो ये हो गया यानी उड़ी वेस्ट बंगाल से यहाँ तक, और उसके नीचे है कोरोमंडल तट। ये किस तरफ है बेटा? ईस्टर्न साइड में। यहाँ पे नदियों के नाम देखे, गोदावरी नदी है आप देखेंगे, कृष्णा नदी है, महानदी है, जो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है बेटा। और इसका जो हम कहें डेल्टास बनाती है, आपने सुंदरबन डेल्टा सुना होगा जो वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो डेल्टा बनाती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है और गंगा यहाँ से आती है, दोनों डेल्टा बना के इसमें गिर जाती हैं। तो ये आपने डेल्टा देखा बेटा, जो ईस्टर्न साइड में जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। और इस ईस्टर्न साइड में ही आप देखेंगे चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील क्या है बेटा? सॉल्ट वाटर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये वर्ल्ड की, यहाँ कहें इंडिया की, और जो उड़ीसा में है, और ये महानदी डेल्टा पे है। कौन से डेल्टा पे बेटा? महानदी डेल्टा। महानदी कहाँ है सभी को पता है? उड़ीसा में है महानदी। जो महानदी डेल्टा बनता है उस पे क्या है? चिल्का झील बनी हुई है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब आ जाइए अपना किस पे आएंगे बेटा? आइलैंड ग्रुप्स। क्या है ये? आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप में भी आप देखिए, मैं फिर से वही बना रही हूँ, ये अपना नीचे का हिस्सा है। यहाँ पे आपने मैप में भी देखे होंगे बहुत सारे आइलैंड्स की बिंदियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारी बिंदियाँ हैं। तो ये है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, और ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डायरेक्शन देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा कि हमारा जो इंडिया का मेनलैंड है वो भी बहुत वेस्ट है, यानी चौड़ा है, बड़ा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप और एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है ये कोरल से बना हुआ है। क्या है ये ग्रुप? है जो कोरल से बना हुआ है। ये छोटे छोटे जीव होते हैं, एक साथ रहते हैं, पानी की गहराई में ये पनपते हैं, उनको के सूखने के बाद वो जब ड्राई हो जाते हैं सोर्स पे, तब ये जमीन बन जाती है जिसको आइलैंड कहा जाता है। तो अब आप देखिए बेटा, ये हमने मालाबार तट देखा था केरल के पास, तो लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है बेटा? मालाबार तट के पास में है, वेस्टर्न साइड में। और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड स्मॉल कोरल से बने हुए हैं। किससे बने हुए बेटा? कोरल। इसको कोरल आइलैंड भी हम कह सकते हैं। और फिर इसे पहले क्या कहते थे? देखिए, पहले हम कहते थे इसे लक्षद्वीप, दूसरा है मिनी को, और तीसरा है एमएनदीप। ये इस लक्षद्वीप आइलैंड में अलग अलग आइलैंड्स के नेम थे, लेकिन 1973 में क्या हो गया बेटा? इसको नेम कर दिया, यानी इस तीनों का नाम रख दिया लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है बेटा? कवारत्ती। सभी जानते हैं कवारत्ती का यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है बेटा। और ये आइलैंड जो ग्रुप है बेटा, इसमें फ्लोरा और फौना में डाइवर्सिटी बहुत मिलती है। फ्लोरा आप कहेंगे कि वनस्पति, और फौना मीन्स वन्य जीव, यानी इस आइलैंड ग्रुप में इसमें बहुत सारे फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी मिलती है। और जो पीटी आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है बेटा? पीटी जो आइलैंड है वो अनहैबिटेड जो कहेंगे, यानी यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है इसमें। ये पीटी जो आइलैंड है इसमें बर्ड सेंचुरी है, यानी यहाँ पे पक्षियों का आवास है। अब हम आ जाते हैं अपने एक और चेन है हमारे यहाँ ईस्टर्न साइड में आइलैंड्स की, जिसको हम कहते हैं जो बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान है निकोबार आइलैंड। पहले बता दिया बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, और यहाँ पे है अरेबियन सी, और ये हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में तो हमने जानकारी ली, अब हम लेते हैं बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके बारे में। तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान है बेटा नॉर्थ में और निकोबार है साउथ में, यानी नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार। और जो आपने सुना होगा कि एकमात्र जो हमारा एक्टिव वोल्केनो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है।
जो इसकी कहें हम इसमें भी फ्लोरा फोना की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ये बिगर है साइज में, न्यूमरस भी है, यहाँ संख्या भी ज्यादा है बेटा, और स्केट बिखरा हुआ भी है, यहाँ ये जैसे ग्रुप एक साथ है ये अलग अलग दूरी पे बिखरे हुए हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो क्या कहें कि समराइन जो माउंटेन्स है यानी पानी में डूबे हुए जो पर्वत है यहाँ पाए जाते हैं, और ये एक सैन्य इंपॉर्टेंस रखता है अंडमान निकोबार आइलैंड। और आपने देखा होगा यहाँ पे सेलुलर जेल है, जब अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पे काला पानी की सजा बोली जाती थी कि भाई अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, काला पानी की सजा बोली जाती थी। और ये किसके क्लोज है बेटा, अंडमान निकोबार इक्वेटर के, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और इसको क्या कहें कि यहाँ वैसा ही थिक फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, और गर्मी अधिक होती है और बरसात भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये सी के पास है इस कारण से। तो अब हमने देखा कि हमने अपने सारे जो 6 जो फिजिकल रीजन थे वो हमने पढ़े बेटा, समझ में आया होगा आपको, आप एक बार रीड करना इनको, और अब लास्ट में हम इनको थोड़ा थोड़ा जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करें। जैसे हिमालय है, हिमालय से हमारी जो नदियां हैं वो निकलती हैं। प्लेन्स क्या है, हमारा ग्रेन बाउल है यानी अनाज का भंडार है। पेनिनसुलर प्लेटू में क्या बेटा, मिनरल्स डिपॉजिट्स है यानी खनिजों का भंडार है। और जो हमारे कोस्टल जो प्लेन्स हैं वो क्या है, फिशिंग के लिए और जो हमारे कोस्टल रीजन में जो बिजनेस होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बिजनेस पर्पज से हम देखें। और फिर हमारा जो थार मरुस्थल है उसमें भी आप देखिए कि उसकी इम्पोर्टेंस है, कि वहाँ पे एक पहचान है हमारे भारत में कि थार डेजर्ट हमारे जो बॉर्डर पे है, पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वो फैला हुआ है। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा। आज का होमवर्क है कि आप पॉइंट टू रिमेम्बर जो हैं हमारे अपने हैं पॉइंट 46 या 45 पॉइंट्स है बेटा, उनको रीड करिएगा, जिससे कि पूरा जो चैप्टर है वो समराइज हो जाएगा आपको कि हमने हर टॉपिक में पढ़ा क्या क्या। थैंक यू बेटा, कैसा बेटा।